तो महातूफान बिपरजॉय दस्तक दे चुका है, खतरे से कल गुजरात के जखाऊ पोर्ट से टकराने वाले हैं। ये तूफान के असर को हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं। इसकी तेज आहट अब दिखाई और सुनाई देने लगी है। गुजरात के कई इलाकों में तूफान की एंट्री होने से पहले तेज बारिश हो रही है। 6 शहरों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां की तस्वीरों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि तूफान की आहट कितनी तेज है। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं, बारिश हो रही है। करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला तूफान गुजरात से गुजरने वाला है। महातूफान बिपरजॉय की खतरे की घंटी अब बज चुकी है और ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको दिखाते हैं तूफान का क्या रूट है। दरअसल किस तरीके से इसकी एंट्री हिंदुस्तान में हुई, मांडवी इलाके से ये शुरू हुआ और जखौ पोर्ट जो कि कच्छ में है वहां तक पहुंच गया। उसके बाद अब ये आगे की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे गुजरात के जो तटीय इलाके हैं इसका असर देख पा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा कोस्टल एरिया जो कि महाराष्ट्र से जुड़ता है वहां पर बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। तो कच्छ से ये टकराएगा और ये कहा जा रहा है कि 15 जून की शाम महातूफान बिपरजॉय का पूरा असर यानी कि लैंडफॉल देखा जाएगा। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने दहशत का शोर मचा रखा है। मुंबई से गुजरात तक समंदर में ऊंची ऊंची लहरें महातूफान का ट्रेलर दिखा रही हैं। यह तस्वीर सूरत के सुआली बीच की है। लहरों का तांडव देखिए। खतरे को देखते हुए बीच को बंद कर दिया गया है। कच्छ के जस्ट जखाऊ पोर्ट से बिपरजॉय तूफान टकराने वाला है, वहां की तस्वीर देखिए। लहरों का शोर ये बताने के लिए काफी है कि खतरा कोई छोटा मोटा नहीं है। कल शाम इसी जगह से बिपरजॉय टकराने वाला है। बिपरजॉय जिस जगह से टकराने वाला है, जहां पे लैंडफॉल होने वाली है, उसी जखाऊ पोर्ट पर हम मौजूद है। ग्राउंड जीरो से आज तक की ये कवरेज है, एक्सक्लूसिव कवरेज है, जहां पे जो बिपरजॉय साइक्लोन है वो यहां पे 15 तारीख की दोपहर में टकराने वाला है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया है, यहां पे करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये साइक्लोन जो है वो इसी पोर्ट से टकराता हुआ आगे जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाके बिपरजॉय के निशाने पर हैं। द्वारका में समंदर में 2 दिन से ऊंची ऊंची हिलोरें उठ रही हैं। ये लहरें खतरे का अलार्म बजा रही हैं। समंदर का पानी काफी ऊपर बने मंदिर की सीढ़ियों को चूम रहा है। गुजरात के मांडवी जिले में भी तूफान की जबरदस्त आहट है। यहाँ समंदर भी अशांत है। साइक्लोन बिपरजॉय की दस्तक हो गुजरात में, उसके ठीक पहले असर तो दिखाई पड़ने लगा। रह रह करके जो बारिश है वो हो रही है। हवा की जो रफ्तार है वो सामान्य से कहीं ज्यादा है। हालांकि समंदर की जो लहरें हैं वो आम दिनों के मुकाबले बहुत ज्यादा उग्र तो नहीं है, लेकिन जब साइक्लोन का असर होगा तो ये लहरें ऊंची उठ सकती हैं। मैं जहां इस समय खड़ा हूं, ये मांडवी इलाका है, पश्चिमी कच्छ का इलाका, और ये जो पूरा तटीय किनारा है, चाहे वो मांडवी हो, कांडला हो, ये पूरे इलाके द्वारका से लेकर के ये प्रभावित होंगे। लेकिन मांडवी उन सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से हो सकता है, क्योंकि हवा की रफ्तार यहाँ सबसे ज्यादा होगी। एहतियात के तौर पर तटीय किनारों से 0 से 5 किलोमीटर तक रहने वाले लोगों को खाली करा लिया गया। गुजरात और महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों पर महातूफान खौफ बनकर मंडरा रहा है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिमी राजस्थान में तूफान ने अपनी टेढ़ी चाल चलती है। कर्नाटक के तटीय जिलों पर इस तूफान की दहशत छाई हुई है। कर्नाटक के करीब 73 गांव तूफान की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में बिपरजॉय की दहशत से समंदर किनारे कर्फ्यू सलगने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक चक्रवाती तूफान का असर तेज बारिश और तूफानी हवाओं के तौर पर हो सकता है।
केंद्र हो या राज्यों की सरकारें इस महाविपदा से निपटने के लिए चौकस हैं। सारी एजेंसियों को राहत और बचाव के काम में झोंक दिया गया है। देश के लिए एक बड़े इम्तिहान के रूप में आ रहा है बिपरजॉय। कच्छ से गोपी घांघर और द्वारका से ब्रजेश दोषी के साथ आशुतोष मिश्रा, मांडवी आज तक।